से ही इस पर आप थोड़ा गंभीरता से 2 अक्टूबर का हम लोग इंतजार न करें जी। कल से ही हम बड़े बड़े छोटे दुकानदार को छोड़ करके, जैसे कोई सब्जी बेच रहा है कहीं, कोई ढकेल पर सब्जी बेच रहा है, उसको करके बड़े बड़े स्टॉक वालों को टारगेट करके उस पर कल से ही प्रतिबंध करने का कम लोग काम कर रहे हैं। हम अपने जिले को क्या 2 अक्टूबर से पहले प्रतिबंध कर, हमने कहा है कि इसको आप 2 अक्टूबर का इंतजार न करके आप पहले से इसको अमल में लाइए और इसको प्रतिबंधित करिए। व्यवस्था एक इलेक्ट्रिक हो रही है जी। ये व्यवस्था हम लोग आगे करने भी जा रहे हैं, हमारे हर जिले में 2-3 सीमिटी हम लोग बना रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जितनी व्यवस्था अनुदान की व्यवस्था है उन सीमितियों को हम आगे देने जा रहे हैं। कितने की मशीन आएगी, गरीब इंसान ले सकता है उसको, उस मशीन को ले पाएगा या गरीब से वो रोजगारी छिन जाएगा? सरकार आवंटित कराई होगी नहीं, सीमितियाँ बना करके पहले तो हम सरकार की माध्यम से जो व्यवस्था है वो दी जाएगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दे जा सकती, क्योंकि लाख रुपए से ऊपर की है तो ये गरीब इंसान का तो रोजगार छिन जाएगा। हम कह रहे हैं वही गरीब व्यक्ति, हम लोग जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ना आगे, वो ट्रेनिंग ले, उसी वजह से हम पूरे जनपद का सर्वे करा रहे हैं, वो गरीब व्यक्ति हमारा वहाँ आधुनिकता की ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग के बाद में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो अनुदान की व्यवस्था है उनसे अनुदान दिला करके उसको उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन हम लोग कर ले जा रहे हैं।